निर्दलीय उम्मीदवार का खर्चा और प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस का खर्चा निर्दलीय पार्टी से कहीं ना कहीं अलग होता है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार के खर्चे की बात करें तो राजस्थान में सीएम गहलोत के करीबी कहे जाने वाले बागी निर्दलीय का चुनाव खर्च उनसे ज्यादा है, ऐसे चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है। 25 नवंबर 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज उठा है। सभी पार्टियों ने और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जनता के बीच चुनावी प्रचार प्रसार में कहीं कमी नहीं आने दी। पार्टियों ने अपने चुनावी प्रचार का खर्चा जो प्रचार के दौरान खर्च हुआ है उसका बिल चुनाव आयोग को भेज दिया है। किसी का बिल लाखों में है तो किसी का हजारों में है। बात करें मंत्रियों की तो चुनाव प्रचार में 25 मंत्रियों में खर्चे में सबसे आगे कांग्रेस के अशोक चांदना है तो सबसे पीछे टीकाराम जूली है। बीजेपी में भी मंत्रियों ने चुनाव प्रचार प्रसार में लाखों रुपए का बिल वहन किया है, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार का खर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चुनावी प्रचार में खर्चे से कहीं ज्यादा है। बात हो रही है यहाँ सिवाना से बागी निर्दलीय सुनील परिहार की, जिनका चुनावी खर्च सीएम अशोक गहलोत के चुनाव प्रचार से दोगुना ज्यादा है। सुनील परिहार सीएम गहलोत के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें सुनील परिहार ने चुनाव प्रचार में 4.22 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो वही सीएम ने सिर्फ 2.6 लाख रुपए खर्च किए हैं। चित्तौड़ से भाजपा के बागी निर्दलीय चंद्रभान ने चुनाव प्रचार में 5.63 लाख रुपए खर्च किए हैं। ऐसे ही सांचौर से भाजपा के बागी निर्दलीय जीवाराम ने 9.93 लाख रुपए चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बारे में बात करें तो जहां भाजपा ने उनको अब तक नजरअंदाज किया है तो राजे ने अपने चुनावी प्रचार में कहीं कमी नहीं आने दी और 6 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च चुनाव प्रचार में किया है। आपको बता दें निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वसुंधरा राजे के खर्चे में कुछ अंतर पाया गया है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राजे का खर्चा 7,29,127 रुपए आया है, लेकिन राजे ने अपना खर्चा 6,94,726 रुपए बताया है। वही अगर बात करें चुरू के तारानगर सीट से भाजपा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, तो राठौड़ ने अब तक अपना चुनावी खर्च 1,96,728 रुपए बताया है, लेकिन उनके सामने खड़े कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया ने अपना खर्चा 6,07,228 रुपए बताया है, जो राजेंद्र राठौड़ से कई गुना ज्यादा है। आखिरी में बात करते हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की, तो जहां हनुमान बेनीवाल बोलने में बेबाक है तो वैसे ही उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में खर्चा भी दिल खोल कर किया है। 7,99,819 रुपए का खर्च बेनीवाल ने चुनाव आयोग को बताया है और अपना बिल पेश किया है। बेनीवाल के खर्चों में ये सारा खर्च गाड़ियों में स्कॉर्पियो बोलेरो और इनके अलावा दरी गद्दे कुर्सी चाय पानी कैंपर बैनर टेंट आदि का खर्च है। आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक 1875 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को भेजा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्य के 35 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। इनमें कई नेता ऐसे हैं जिनको बीजेपी या फिर कांग्रेस से टिकट नहीं मिली है, इसीलिए वो निर्दलीय मैदान में उतरकर कांग्रेस और भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। बता दें 1875 में से 1338 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के प्रत्याशियों ने मात्र 1000 से 5000 तक के खर्चे में अपना चुनाव प्रचार निपटा दिया है। ये खर्चा सिर्फ चाय कचौड़ी पोहा नमकीन पर दिखाया गया है। राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनावों में मंत्रियों ने और नेताओं ने अपने अपने चुनाव प्रचार में खर्च हुए रुपयों का ब्यौरा पक्के बिल के साथ आयोग को भेज दिया है, लेकिन कांग्रेस के एक मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पक्के बिल के साथ अपना खर्चा पेश नहीं किया है। एक नेता की साफ छवि जनता के बीच अपना विश्वास कायम करती है और जनता भी उसी का साथ देती है। खर्च कम है या ज्यादा ये आयोग तय करेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता ही अंतिम फैसला तय करेगी कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, और जिसको जनता चुनेगी वही होगा राज्य का सर्वे सर्वा।